नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, देखो मैं आ गया हूँ। ये आपका ओवरहीट क्रेन है, यूटी क्रेन भी बोलते हैं। यहाँ ऑपरेटर भाई बैठे हैं, ऑपरेटर भाई से भी हम बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं। ये कौन सा क्रेन है इसके बारे में डिटेल्स में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ लाइन में। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को स्क्रिप मत कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए मैं ड्राइवर भैया से बात करते हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार सिंह हुआ। अच्छा, ऐसे हम बिहार से हुए। अच्छा, कितना दिन हुआ ऑपरेटिंग करते हैं आप? हमारा अभी तक तो है कि 13 साल हो गया, 2009 से काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है गुरुदेव, ठीक है। चलिए थोड़ा क्रेन के बारे में हमको जानकारी दे दीजिए। क्रेन की जानकारी जो है कि पहले आपको हम ग्राफ बॉक्स से चालू करता हूँ। हाँ। जो ये जो है कि स्विच लगी हुई है। हाँ जी। ये ऑन ऑफ स्विच है। हाँ। ये जो है कि चालू करने का है या बंद करने का है, दो स्विच लगी हुई है। अच्छा, अच्छा। ये ग्राफ बॉक्स का स्विच हो गया। हाँ जी। इसको जो है कि पैनल बोलते हैं। हाँ, ये पैनल हो गया। ये पैनल से जो है कि लगी हुई है जी। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ। ये जो है कि क्रेन चालू होगा। अच्छा। और ये क्रेन बंद होगा। बंद होगा, ठीक। ये ऑन ऑफ स्विच बोलते हैं। हाँ। चलिए लीवर बंद थोड़ा बता दीजिए शॉर्टकट में। हाँ, उसको बताइए क्या। ये जो है कि आपका ग्राफ बॉकेट का है। अच्छा, ओपन बॉकेट का। हाँ, स्विच है। हाँ, ये ओपन क्लोज बोलते हैं। अच्छा। इससे जो है कि क्लोज होगा। हाँ। इससे जो है कि ओपन होगा। ओपन होगा, चलिए ठीक है। लीवर बारे में बताइए थोड़ा। ये जो है कि अपना हो गया सीटी हो गया। अच्छा, उस सीटी का लीवर हो जी, जो ये क्रॉस का काम करेगा। अच्छा, क्रॉस का दोनों साइड का रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों होगा इसमें। अच्छा। ये हमारा एलटी हो गया। ये जो है कि एलटी जो है कि राइट और लेफ्ट दोनों जगह की जाता है। अच्छा। दोनों साइड में काम करता है, इसको हम जो है कि मास्टर कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा, मास्टर कंट्रोल जी, ठीक है। और ये जो है हमारा सीटी हो गया, अरिया हाविस हो गया, मैन होस्ट बोलते हैं। अच्छा, ये अरिया हाविस वाला जी, इसको जो है कि नीचे करेंगे तो नीचे होगा ग्राफ बॉकेट, ऊपर करेंगे तो ऊपर जगह की जाएगा। हाविस होगा के लिए है। जी ठीक है गुरुदेव। नीचे में जो है कि ग्राफ बॉकेट है। अच्छा, वो जो आपका नीचे में दिखाई दे रहा है कौन सा बॉकेट है? ग्राफ बॉकेट बोलते हैं उसको। अच्छा, ग्राफ बॉकेट जी, वो जो है कि माइंस का जो है कि काट के और हॉपर में चार्जिंग करने के लिए लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसमें आपका हाइड्रोलिक पंप भी लगा हुआ है? जी जी, हाइड्रोलिक पंप है, पिस्टन है, सिलेंडर है, मोटर है, मोटर भी लगा हुआ है उसमें। अच्छा ठीक है। वो केबल ड्रम हो गया, जो अच्छा, केबल लड़का हुआ है। अच्छा अच्छा, उसमें दो केबल है, एक जो है कि अर्थिंग का है और एक मेन का है। अच्छा, दो लगा हुआ है। और ये वायर रोप भी है ना? ये वायर रोप बोलते हैं। हाँ। जो उस ड्रम में जो है कि सेट है। ऊपर थोड़ा गुरुदेव, थोड़ा एक मिनट के लिए आइए, थोड़ा कष्ट करिए, थोड़ा एक मिनट के लिए आइए कष्ट करके। थोड़ा इधर बता दीजिए इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है कि DSL है। अच्छा, वो है पावर कलेक्टर जो है कि लगा हुआ है, जो DSL पर जो है कि चलता है, चलता रहता है जी। डायरेक्ट सप्लाई लाइन है वो। हाँ, डायरेक्ट लाइन सप्लाई है। चलिए ऊपर हम चल के देख लेते हैं, थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं। भैया को बहुत जानकारी है, ये क्रेन के बारे में सारी जानकारी हमको देंगे दोस्तों। ये जो है कि पैनल है हमारा। अच्छा, ये पैनल हो गया। जी, पैनल है, इसका काम है एलटी सीटी मैन हाउस सबको कंट्रोल करता है। दो दो पैनल लगी हुई है क्रेन में। चलिए आगे थोड़ा दिखा दीजिए गुरुदेव। तो ये हमारा मोटर हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका मोटर। मोटर है, ठीक गुरुदेव। ये जो है कि इसमें ऑयल पड़ता है। ऑयल पड़ता है, गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स बोलते हैं। मोटर चालू होगा तो आपका इनपुट शाफ्ट से अंदर गियर बॉक्स गया, फिर आउटपुट शाफ्ट से आपका टर्शन शाफ्ट द्वारा वो व्हील को जो है चक्का को घुमाया, जो है कि नचाता है। हाँ, नचाता है, तो क्रेन आपका लेफ्ट साइड राइट साइड जाता है। जी जी, ठीक है गुरुदेव। ये जो है कि बीम हो गया। अच्छा, ये बीम है, बीम लगी हुई है। ये जो लंबा लंबा देख रहे हैं मेरे दोस्तों, इसको भाई बोल रहे हैं बीम। ये यहाँ से वहाँ तक का जो लेंथ है इसका, ये बीम है, ये बीम के ऊपर चल रहा है। ये सीटी का रेल लाइन हो गया। अच्छा, ये सीटी का रेल लाइन हो गया। ये जो देख रहे हैं मेरे दोस्तों ऊपर में, देखिए ये जो ऊपर में लगा हुआ है वो सीटी है, वो मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड आना जाना करता रहता है, उसमें ड्रम लगा हुआ है। चलिए उधर देखते हैं। मास्टर कंट्रोल है। अच्छा, ये क्या है? मास्टर कंट्रोल बोलते हैं, जो है कि पैनल का जो है कंट्रोल करके रखता है सब। और ये क्या हो गया? ये हो गया सीटी हो गया। अच्छा, सीटी के ऊपर जो है केबल ड्रम है। अच्छा, वो केबल ड्रम है, ड्रम है जिसमें वायर रोप हो रहा है। हाँ, वो वायर ड्रम है, वायर ड्रम है। अच्छा, और ये आपका गियर बॉक्स मोटर लगा हुआ है। हाँ, जो सीटी को जो है कंट्रोल करता है। अच्छा अच्छा, उसमें ब्रेक शू लगा हुआ है। हाँ, ऊपर चलेंगे तो सारी जानकारी ऊपर मिल जाएगी। चलिए आइए अंदर, चलिए उधर चलते हैं, छोड़िए।
अच्छा यहाँ से मोटर दिखाई दे रहा है, मोटर जो है कि मोटर हो गया, ये मोटर हो गया, ये आपका जो थ्रस्टर है, थ्रस्टर है, ये जो आपका पुली को लॉक करता है, जो ब्रेक द्वारा लॉक करता है उसको थ्रस्टर बोलते हैं, ये वाला ठीक है दोस्तों। और ये आपका गियर बॉक्स है जी ना, गियर बॉक्स हो गया। ये कितने टन का क्रेन है? ये है 20 टन का क्रेन है। अच्छा ये 20 टन का है जी। ग्राबोकेट में एक बार माल उठाओगे तो कितना टन आएगा मटेरियल? इसमें जो है कि 5 टन जो है का ग्राबोकेट है, 5 टन का। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए, मैं आगे दिखा दे रहा हूँ आपको। अच्छा ये क्या हो गया गुरुदेव? ये सीटी हो गया। अच्छा, ये 10 टन का सीटी है। अच्छा ये 10 टन का सीटी है, 10 टन का। अच्छा 10 टन जो हम फिल्टर प्रेस के काम के लिए यूज करते हैं। मोटर हो गया उसका, वो जो है कि रोप ड्रम हो गया, उधर ब्रेक शू लगा हुआ है। देखिए ये रोप ड्रम है, इसको रोप ड्रम बोलते हैं। ये मोटर हो गया, ये जो है कि मोटर जो लगा हुआ है ब्रेक जाम करने के लिए, थ्रस्टर के चलाने के लिए लगा हुआ है। वहाँ पर भी देखिए कि गियर बॉक्स सब जो है कि लगा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मेरे ऑपरेटर भाई हैं, इनसे मैं सारी जानकारी ले लिया, बहुत अच्छा जानकारी दी है मेरे को। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, पूरा मन लगा काम करते हैं। ये क्रेन का ऑपरेटर चलते हैं, पूरा मास्टर हैं, पूरे क्रेन इसको रिपेयर मेंटेनेंस भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।